और उसके बारे में ये चार्ट बताता है कि कितना करंट होता है और फिर आपके बॉडी पे इफेक्ट क्या हो सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर 1 मिली एम्पियर से कम करंट है तो आपके बॉडी को शायद पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो ये जनरली आपको फील नहीं होगा। लेकिन अगर 1 मिली एम्पियर करंट है या फिर उससे ज्यादा है तो आपको थोड़ा सा फीलिंग आएगा कि यहाँ से करंट फ्लो हो चुका है, थोड़ा सा मुझे शॉक लगा है। अगर ये 5 मिली एम्पियर से प्लस है तो यहाँ पे आपको स्लाइट शॉक का फीलिंग आएगा और जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, और वहां पे आपको शॉक लगने की वजह से भी जो डिस्टरबेंस है उसकी रिएक्शन अलग हो सकती है। क्योंकि जैसे अगर ये करंट छोटा है, आप डिस्टर्ब हो चुके, लेकिन अगर आपकी कंडीशन ऐसी है, आप कहीं पे हाइट पे वर्क कर रहे हैं, तो शायद वहां पे फॉल हजार्ड की भी केस हो सकती है। अगर आप नॉर्मल ग्राउंड पे हैं तो वहां पे आपको जो मेन हजार्ड या उसकी रिस्क या उसका इफेक्ट है वो कम होगा। अगर ये करंट 6 to 25 मिली एम्पियर्स में होगा और यहाँ पे पेनफुल शॉक होने के चांसेस, जैसे यहाँ पे 5 मिली एम्पियर तक यहाँ पे आपको शॉक लगता है, फील होता है लेकिन पेनफुल नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी पेनफुल शॉक लगने के चांसेस है। और जो आपके मसल्स है वो मसल्स का कंट्रोल भी यहाँ पे लूज हो सकता है, वो डिपेंड है करंट का इंटेंसिटी कितना है। और अगर 9 to 30 मिली एम्पियर्स है तो यहाँ पे जो फ्रीजिंग करंट या लेट गो रेंज जिसको बोलते हैं वो करंट यहाँ से फ्लो हो सकता है, और जिसकी वजह से आपके जो मसल्स है ये डैमेज भी हो सकते हैं। उसके अलावा है 50 to 150 मिली एम्पियर्स, तो यहाँ पे है एक्सट्रीम पेन। तो यहाँ पे अभी जैसे हमने पेनफुल की बात की थी 6 to 25 में, लेकिन अगर 50+ हो जाता है तो ये एक्सट्रीम पेन केस हो जाती है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है आपका, वो उसका जो फंक्शनिंग है वो बंद हो सकता है, यानी कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट का एग्जाम्पल है यहाँ पे। जो ब्रीदिंग है आपका, वो ब्रीदिंग जो नॉर्मल होता है वो ब्रीदिंग यहाँ पे स्टॉप हो सकता है, और यहाँ पे सीवियर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं। तो अगर आपके मसल्स सीवियरली कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो आपको चलना या मूवमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, और ये अगर सीवियर स्केयर हो जाती है जैसे कि नियर अबाउट 150 मिली एम्पियर्स, तो यहाँ पे डेथ होने के चांसेस है, यानी कि ये फैटलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ से ये रेंज फैटलिटी की हो जाती है। तो इसके अगर आगे करंट होगा जैसे कि यहाँ पे 1000+ है, तो यहाँ पे आपकी जो हार्ट की पंपिंग एक्शन होती है वो स्टॉप हो सकती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन सीवियर बेसिस पे होगा, जो नर्व सिस्टम है वो भी डैमेज हो सकती है, और यहाँ पे डेथ होने के चांसेस मैक्सिमम। अगर ये 10,000+ यहाँ पे मिली एम्पियर्स में करंट आता है तो ये मैक्सिमम केस में डेथ में ही कन्वर्ट होता है, फैटलिटी में कन्वर्ट होता है। तो ये शायद कार्डियक अरेस्ट थ्रू भी हो सकता है या फिर सीवियर बर्न की वजह से भी हो सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम डेथ में कन्वर्ट होगा। तो ये चार्ट आपको बताता है कि कितने मिली एम्पियर करंट आपके बॉडी थ्रू अगर पास होगा तो उसकी रिएक्शन क्या हो सकते हैं। और ये एक चार्ट है जो जेंडर वाइज भी आपको इफेक्ट बताएगा, और डायरेक्ट करंट होगा तो उसका भी इफेक्ट बताएगा, और अगर अल्टरनेटिंग करंट होगा यानी कि एसी अगर होगा तो वहां पे 60 हर्ट्स के बेसिस पे क्या हो सकता है और 10 किलो हर्ट्स के बेसिस पे क्या हो सकता है, इसके बारे में भी आपको ये बताएगा। जैसे यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं तो यहाँ पे जेंडर अगर मेन है तो यहाँ पे डीसी करंट अगर 1 मिली एम्पियर होता है तो उसका इफेक्ट है स्लाइट सेंसेशन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अगर आपके फिंगर्स टच होते हैं या फिर आपका ओवरऑल हैंड टच होता है या फिर फिट टच होता है, कोई भी बॉडी पार्ट जहां पे टच होता है तो वहां पे स्लाइट सेंसेशन आपको होगा। तो ये स्लाइट सेंसेशन कब होता है, अगर ये डीसी करंट 1 मिली एम्पियर होगा, या फिर अगर 60 हर्ट्स एसी करंट है और 0.4 मिली एम्पियर करंट वहां पे हो सकता है, अगर 10 किलो हर्ट्स एसी करंट वहां पे है तो यहाँ पे 7 मिली एम्पियर तक करंट जाएगा। तो ये साइकल्स पे भी डिपेंड है, यानी कि साइकल्स पर सेकंड यानी कि हर्ट्स, और ये एसी है या डीसी करंट है उसके बेसिस पे भी डिपेंड रहेगा, और जेंडर मेन है या वुमेन है उस पर भी ये डिपेंड होगा। तो जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये सेम केस है, सेम कंडीशन है, लेकिन वहां पे अगर फीमेल कैंडिडेट है तो वहां पे क्या पॉसिबिलिटी, तो डीसी करंट 0.6 है
वहां पे 60 हर्ट्ज एसी के लिए 0.3 मिली एम्पियर जनरेट हो सकता है, 10 किलो हर्ट्ज एसी के लिए 5 मिली एम्पियर करंट जनरेट होगा। यानी कि मेन के कंपैरिजन में यहाँ पे लो करंट कंपैरिजन है, तो ये मेन और वुमेन पे भी डिपेंड होगा। अगर ये करंट ज्यादा होता है, जैसे आपको यहाँ पे नंबर से पता चलता है, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड ऑफ बॉडीली परसेप्शन भी हो सकता है। अगर वो हायर साइड में जाता है तो यहाँ पे पेन होगा, वॉलंटरी मसल कंट्रोल यहाँ पे हो सकता है, लॉस ऑफ कंट्रोल हो सकता है, और उसके बाद में शायद रिकवर भी होगा। लेकिन अगर ये सीवियर होगा तो ये सीवियर पेन की वजह से यहाँ पे मसल कंट्रोल आपका जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल जो वो हायर साइड में जा सकता है। अगर ये करंट और हायर साइड में जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये 500 मिली एम्पियर की केस है डीसी के लिए, ये 60 हर्ट्ज एसी के लिए 100 मिली एम्पियर की केस है, तो यहाँ पे हार्ट अटैक या हार्ट डिसीजेस की वजह से या फिर कुछ सेकंड्स में ही आपकी सीवियर बर्न की वजह से भी डेथ हो सकती है। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे यहाँ पे आपको हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना नेसेसरी है। उसके अलावा अगर आप सिर्फ एक ही पैरामीटर लेंगे और दूसरा वेरिएबल लेंगे तो उसके बेसिस पे भी ये हजार्ड्स आपको पता चलेंगे। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वोल्टेज के बारे में, तो यहाँ पे अगर 50 साइकल्स पर सेकंड इलेक्ट्रिक सप्लाई है यानी कि हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज के अगर केस है तो यहाँ पे वोल्टेज जो चिल्ड्रंस के लिए उसका जो डेंजर लिमिट जिसको हम कहेंगे वो है 24 वोल्ट्स, और अगर एडल्ट है तो उसके लिए है 60 वोल्ट्स। यानी कि अगर 50 साइकल्स पर सेकंड का इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर आपके रेजिडेंशियल में या इंडस्ट्रीज में है तो वहां पे डेंजर लिमिट जिसको हम कहेंगे वो डेंजर लिमिट वोल्टेज का 24 वोल्ट है, और यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए और 60 वोल्ट है एडल्ट्स के लिए। यानी कि जो भी आपको 50 साइकल्स पर सेकंड इलेक्ट्रिक सप्लाई इससे नीचे ही आपको वोल्टेज रखना जरूरी है। इसीलिए जो भी मैक्सिमम पोर्टेबल इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल के रहते हैं, लाइट्स वगैरह, तो वहां पे लेस देन 24 वोल्ट वाले ही नॉर्मली हम लाइट्स यूज करते हैं। अगर आपको ये वोल्टेज 50 साइकल्स पर सेकंड्स और अगर इसमें चेंज करना है कि रेंज से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 10 टू 12 वोल्ट अगर वोल्टेज होता है तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड ऑफ फीलिंग हो सकती है, आपको फील होगा कि यहाँ से करंट या वोल्टेज पास हो रहा है। अगर ये 15 होल्ड तक चला जाता है तो आपको थोड़ा पेन हो सकता है, अगर ये 20 होल्ड तक जाता है तो यहाँ पे सीवियर पेन होने के चांसेस है, और ये 20-25 होल्ड तक जाएगा तो यहाँ पे कंटिन्यूअस पेन होगा, करंट वोल्टेज यहाँ पे कंटिन्यूअस बेसिस पे कॉन्टेक्ट में हो सकता है और आपका बॉडी पार्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा। और उससे भी ज्यादा होगा अगर जैसे 60 होल्ड प्लस 2000 होल्ड तक, तो यहाँ पे डेथ होने के चांसेस है। तो जैसे अभी इसके पहले हमने एग्जांपल में जो देखा था वहां पे 7000 होल्ड था, तो 7000 होल्ड ऑब्वियसली कि यहाँ पे ये फैटलिटी में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये वोल्टेज के बेसिस पे भी आप हजार्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये भी एक टेबल है जहां पे आपको पता चलता है कि रेजिस्टेंस बेसिस पे यहाँ पे हजार्ड क्या हो सकते हैं। तो जैसे अगर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ओम्स आप देखेंगे और यहाँ पे ड्राई कंडीशन या वेट कंडीशन, जैसे हमने पहले कहा है कि वेट कंडीशन का मीनिंग है कि यहाँ पे वाटर या मॉइस्चर प्रेजेंट है या फिर ह्यूमिडिटी हायर साइड में। तो वाटर की प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो हो सकता है, और इसीलिए यहाँ पे नॉर्मली आपको ड्राई कंडीशन ही मेंटेन करना है। तो अगर ड्राई कंडीशन होती है और रेजिस्टेंस 100-600 K में होगा तो यहाँ पे आपकी जो स्किन है वो स्किन बर्न होने के चांसेस, स्किन अगर टच में आती है तो उसके थ्रू यहाँ पे करंट फ्लो हो सकता है। अगर वो रेंज चेंज हो जाती है जैसे 40K to 1 M तो वहां पे फिंगर टच होने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस उस हिसाब से होगा। हैंड होल्डिंग वायर अगर होगा तो रेजिस्टेंस 15-50 K में हो सकता है। अगर ये फिंगर थंब ग्रास्प होगा तो 10-30 K में आपका रेजिस्टेंस हो सकता है। हैंड होल्डिंग प्लायर्स आप यूज करते हैं तो उसकी वजह से 5-10 K में रेजिस्टेंस होगा, और जो पाम टच होगा तो 3-8 K में, और उसी हिसाब से ये सब पैरामीटर से जहां पे अलग अलग पॉइंट्स है और उसके बेसिस पे ये जो रेजिस्टेंस है
ये रेजिस्टेंसेस डिसाइड हो गए। तो रेजिस्टेंसेस भी ये दो पैरामीटर पे चेंज हो जाएंगे, जैसे ड्राई कंडीशन के लिए अभी हमने देखा था, और यहाँ पे जो है वो वेट कंडीशन है, तो वेट कंडीशन के बेसिस पे भी ये रेजिस्टेंसेस डिसाइड होंगे। तो जैसे आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर ड्राई कंडीशन एक हमने ली है और स्किन टच होता है, तो ड्राई कंडीशन में 100 to 600 किलो ओम तक रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर वही वेट कंडीशन देखते हैं तो वो सिर्फ 1 किलो ओम तक है। यानी कि अगर यहाँ पे वाटर अब्सेंट है तो उसकी वजह से इतना यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये 100 to 600 मल्टीपल में चेंज हो जाएगा, और इसकी वजह से जो करंट है वो कम फ्लो हो सकता है, क्योंकि हमने पहले देखा है करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है ड्राई कंडीशन की वजह से तो करंट यहाँ पे कम फ्लो होगा। तो इसीलिए हर टाइम इंडस्ट्रीज में कहा जाता है जहां पर भी इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स पॉसिबल है तो वहां पर आपको क्लीन और ड्राई कंडीशन रखनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट कम फ्लो होगा, और उसकी वजह से जो बॉडी पे इम्पैक्ट होने वाला है वो बॉडी पे इम्पैक्ट कम हो सकता है, तो यहाँ पे फैटलिटी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरे जो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के टाइप है उसमें है डैमेज और बेयर वायर्स। तो कहीं जगह आप डैमेज वायर्स भी यूज करते हैं, ये फैक्ट है, तो ये आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें से करंट लीक हो सकता है, या फिर कहीं जगह पिंस की वजह एक से पिंस की जगह आप बेयर वायर्स भी डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, तो ये जो पावर सप्लाई होने के चांसेस है या फिर जो इलेक्ट्रिक लीकेज होने के चांसेस है ये यहाँ पे ज्यादा बढ़ेंगे, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल बर्न्स या डेथ होने की भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बढ़ जाती है। तो एक्सट्रीम कंडीशन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर हजार्डस एटमोसफियर में आप काम कर रहे हैं, यानी कि हजार्डस एक्सप्लोजिव या सब्सटेंसेस वहां पे है, और वहां पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ये डैमेज और बेयर वायर्स की वजह से वहां पे फायर ट्रायंगल कंप्लीट हो सकता है, जिसकी वजह से फायर या एक्सप्लोजन होने के भी चांसेस है। ये स्पेशली हम केमिकल हजार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे एक्सप्लोजिव एरिया है, केमिकल इंडस्ट्रीज हो या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज हो, लेकिन वहां पे अगर आप एक्सप्लोसिव केमिकल्स यूज करते हैं, स्टोर करते हैं, हैंडल करते हैं, तो वहां पर भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सिंपल एग्जांपल्स है जिस फोटो से आपको पता चलता है कि यहाँ पे वायर डैमेज है, या फिर जो टूल्स है वो भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, या फिर आप ठीक तरह से पावर टूल्स यूज नहीं करते होंगे तो उसकी वजह से भी यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस है। और ये इलेक्ट्रिक ओरिएंटेड होंगे, पावर टूल्स ओरिएंटेड रहेंगे, तो यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये आपको ये एक पार्ट है, इंडस्ट्रीज में नॉर्मली रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पार्ट होता है, तो मेंटेनेंस एक तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस होता है। तो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में नॉर्मली रिपेयरिंग के जो इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग होता है, जैसे कि इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर कुछ डिवाइसेस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पावर टूल्स होते हैं, या फिर वायरिंग होती है, तो ये सभी जगह जैसे भी कंडीशन होगी उस हिसाब से रिपेयरिंग करना जरूरी होता है। अगर ये रिपेयरिंग आपने ठीक तरह से नहीं की, फ्रीक्वेंटली नहीं की, इंस्पेक्शन या आपने ऑब्जर्वेशन ठीक तरह से नहीं किया, तो यहाँ पे अलग अलग इंसिडेंट्स में वो कन्वर्ट हो सकता है। जैसे ऑलरेडी जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे रियल एग्जाम्पल्स है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ब्लास्ट ट्रैप जो है वो रिप्लेस नहीं किया है, रिपेयर नहीं किया है, और उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है, जो 11 साल का जो बच्चा था उसकी मौत हो चुकी है। तो ये ब्लास्ट का स्ट्रैप जो है वो रिप्लेसमेंट होना जरूरी था, विद इन टाइम होना जरूरी था। उसके अलावा ये दूसरा एग्जाम्पल है जहां पे कटिंग ऑफ ब्लेड रेजिस्टेंस ऑन कैपेसिटर की केस, तो यहाँ पे 370 वोल्ट तक वोल्टेज गया है, और जिसकी वजह से ये शॉक में कन्वर्ट हुआ है। ये फॉर्चुनेटली यहाँ पे ये इलेक्ट्रोक्यूशन नहीं हुआ है, ये डेथ में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन ये शॉक की वजह से यहाँ पे बर्न्स के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। उसके बाद में ये टर्मिनल इंसुलेटर जो कैपेसिटर पे था वो रिमूव और लिविंग करना था, लेकिन वो नहीं किया, उसकी वजह से यहाँ पे 440 वोल्ट यहाँ पे जनरेट हुआ, और उसकी वजह से यहाँ पे शॉक लग चुका है। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स आपके इंडस्ट्रीज में भी आप डेली लाइफ में या रूटीन में चेक कर सकते हैं, जो शायद इम्प्रॉपर
रिपेयर्स में आ सकते हैं, वो एक इलेक्ट्रिकल हजार्ड है। दूसरा है इम्प्रॉपर यूज, यानी कि जैसे आप वायरिंग करते हैं या फिर कहीं पे रिपेयरिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, तो वहां पर भी आपको चेक करना है कि आपकी वायर कौन से टाइप की है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके लिए वायर होल्डिंग के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये वायर है, तो ये वायर के लिए इन्होंने नेल्स यूज किए, खिले यूज किए, और उसकी वजह से भी ये वायर डैमेज हो सकता है। तो आपको नॉन कंडक्टिव मटेरियल जो इजिली होल्ड कर सकते हैं और वो वायर का लाइफ जैसे तो वैसे रहेगा उस हिसाब से रखना है, तो ये भी यूज करने आना चाहिए। अगर ये ठीक तरह से आपने उसका केयर नहीं लिया, ठीक तरह से उसको कनेक्ट नहीं किया और उसकी अगर कैपेसिटी आपने चेक नहीं की, तो ये इम्प्रॉपर यूज टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल हजार्ड बन जाएगा। दूसरा है जो नॉर्मली हम गेज बोलते हैं, यानी कि जो वायर है वो वायर का जो डायमीटर रहता है, वो थिकनेस रहता है, वो थिकनेस के बेसिस पे उसकी कैपेसिटी डिसाइड होती है। तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रिशियन रहते हैं उसको वो जनरली गेज फॉर्म में बोलते हैं। जैसे यहाँ पे वायर का साइज दिया है, जो बताता है एक एग्जांपल 14 गेज का वायर है और दूसरा है 12 गेज का वायर। तो 14 गेज का अगर वायर रहेगा तो इसमें से 15 एम्पियर्स की कैपेसिटी होती है, यानी कि वो वायर थ्रू 15 एम्पियर करंट पास हो सकता है। अगर ये गेज का नंबर कम कर देते हैं तो ये 12 गेज हो जाता है और वो कैपेसिटी जो करंट की कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, यानी कि 20 एम्पियर तक हो जाएगा। तो गेज का नंबर कम होता है इसका मतलब डायमीटर इंक्रीज होता है, तो ये भी आपको यहां से पता चल जाएगा। तो ये सिंपल चार्ट है, वो चार्ट थ्रू भी आप ये जो वायर है जैसे नॉर्मली ये इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं या फिर कहीं इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, वहां पे अगर ये वायर आप ऐड करेंगे तो जो भी प्रॉपर साइज है उससे आपको गेज पता चलेगा और गेज की वजह से आपको कितने एम्पियर्स की करंट कैपेसिटी है वो वायर की, वो भी आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो जैसे ये एग्जाम्पल है, ये 14 गेज वाला वायर अगर यहाँ पे फिट होता है तो उसमें से 15 एम्पियर पास होगा। अगर ये नेक्स्ट जाता है, यानी कि अगर आप कंपेयर करेंगे, देखिए ये 14 गेज का है, डायमीटर कम है इसलिए करंट कैपेसिटी कम है। अभी नेक्स्ट जब जाएंगे हम तो ये 12 गेज वाला वायर है, इसके डायमीटर हायर साइड में, तो उसका करंट कैपेसिटी भी बढ़ेगा इसलिए ये 20 एम्पियर तक जा रहा है। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग वायर के डायमेंशन से, जैसे नॉर्मली लेंथ और थिकनेस आपको चेक करना है और उसमें जो कवरिंग रहता है यानी इंसुलेशन मटेरियल रहता है उसको भी आपको ठीक तरह से चेक करना है, यानी कि उसकी क्वालिटी मेंटेन होती है यानी वो चेक करना है, और उसके बेसिस पे ही आपका इलेक्ट्रिकल हजार्ड डिपेंड होगा। उसके अलावा ये है पावर स्ट्रिप्स। तो नॉर्मली जो आज की डेट में रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ज्यादा यूज कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये जो चार्जिंग के लिए आपको बहुत सारे मोबाइल्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करना पड़ते हैं, या फिर कहीं इंडस्ट्रीज में कहीं पे, या फिर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस रिपेयरिंग के लिए, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे आप मल्टीपल टूल्स या मल्टीपल इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं और उसके लिए बोर्ड एक ही यूज कर रहे हैं। अगर ये मल्टीपल प्लग अरेंजमेंट आप अगर यूज करते होंगे तो यहाँ पे ओवरलोड होने के चांसेस, तो यहाँ पे ओवरलोड प्रोटेक्शन आपको चेक करना पड़ेगा और उसी हिसाब से वो उतने ही इक्विपमेंट या टूल्स आपको यूज करना पड़ेगा। अगर इसका जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर आप यूज करते होंगे तो यहाँ पे स्पार्क होने के चांसेस है, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है, ओवरहीटिंग के होने के चांसेस है, और जिसकी वजह से यहाँ पे फायर एज अ हजार्ड होने के चांसेस है। तो ये फायर होगा तो उसकी वजह से अगर ये हजार्डस एटमॉस्फेयर में होगा तो वहां पे एक्सप्लोजन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पावर स्ट्रिप एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल हजार्ड है। दूसरा है ये पोर्टेबल हीटर्स और अप्लायंसेस के रिलेटेड। तो नॉर्मली जैसे अभी हम विंटर में अगर देखते होंगे तो विंटर में हम हीटर जो है रूम हीटर वो एक जगह से दूसरी जगह या दूसरी जगह से तीसरी जगह आप यूज करते होंगे, या फिर कूलर भी होते हैं, कुछ पोर्टेबल कूलर्स होते हैं या फिर चिलर्स भी होते हैं। तो ये ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो पोर्टेबल टाइप में होते हैं, जैसे कि आपको लोकेशन अलग अलग जगह चेंज करना पड़ता है।
लेकिन अगर ये इक्विपमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे सेफ डिस्टेंस अगर आपने नहीं रखा तो यहाँ पर भी ओवरहीटिंग की वजह से स्पार्क के चांसेस, और अगर यहाँ पे जैसे फोटोग्राफ में आपको दिखता है कि यहाँ पे जो कंबस्टिबल मटेरियल से, ये कंबस्टिबल मटेरियल अगर आपके नियर बाय होंगे इक्विपमेंट्स के तो उस वजह से यहाँ पे फायर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी आपको सोचना है, और इसीलिए वो जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उसमें कॉशन दिया रहता है, लेकिन नॉर्मली हम वो कॉशन पढ़ते नहीं। जैसे यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, डू नॉट कवर, हाई टेम्परेचर, कीप इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स, ड्रेप्स एंड अदर फर्निशिंग एटलीस्ट 3 फीट फ्रॉम द फ्रंट एंड द टॉप ऑफ द हीटर एंड अवे फ्रॉम द साइड्स एंड रियर। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि आपको कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस रखना है, उसके बाद में ही ये हीटर आपको चलाना है। ये हीटर की वजह से यहाँ पे हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है क्योंकि यहाँ पे हीटिंग कॉइल्स यूज की जाती है, और यहाँ पे क्लियर लिखा है कि इसको कवर नहीं करना चाहिए। अगर ये कवर करते हैं तो उसकी वजह से जो हीट है वो एक ही सोर्स पे रहेगी और वहां पे हाई इंटेंसिटी का टेम्परेचर बनेगा जहां पे फायर के चांसेस बढ़ जाएंगे।